नमस्कार, आप सुन रहे हैं नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं अशोक हमराही के साथ। नवरात्र परमेश्वरी जगदम्बा की साधना का पर्व है। प्रथमा से नौमी तिथि तक हर तिथि को माँ भगवती के अलग अलग नौ रूपों की पूजा आराधना की जाती है और माँ के स्वरूप की कथा सुनी जाती है। नवरात्र की प्रथमा तिथि को माँ शैलपुत्री, द्वितीया को माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीया को माँ चंद्रघंटा, चतुर्थी को माँ कूष्मांडा, पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता, षष्ठी को माँ कात्यायनी, सप्तमी को माँ कालरात्रि, अष्टमी तिथि को माँ महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस प्रकार नवरात्र का हर दिन देवी भगवती के इन्हीं विशिष्ट रूपों को समर्पित है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ भगवती के महागौरी रूप की पूजा अर्चना की जाती है और माँ की कथा सुनी जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार पार्वती जी कठोर तपस्या में लीन हो गईं। भगवान भोलेनाथ ने उनकी प्रतीक्षा की, किंतु कई वर्षों तक तपस्या मग्न रहने के कारण जब पार्वती जी नहीं आईं, तो उन्हें खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचे। वहां उन्होंने तपस्या में लीन माता पार्वती को देखा। तप के ओज से माँ का शरीर चमक रहा था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। ये देख भगवान शिव ने उन्हें गौर वर्ण होने का वरदान दिया। तभी से वो महागौरी के रूप में पूजी जाने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनका वरण किया और उनके शरीर को गंगा जल से प्रक्षालित किया, जिससे देवी अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो गई। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। माता महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वो देवी के तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वो काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन वृषभ अर्थात बैल और सिंह दोनों ही हैं। देवी पुराण के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों ने अपने बल के घमंड में आकर उत्पात मचाना शुरू किया, जिससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब देवतागण आदि शक्ति की स्तुति कर उनसे रक्षा करने का आग्रह करने लगे। उसी समय वहां पार्वती जी आईं। उन्होंने देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब माता पार्वती के शरीर कोष से देवी शिवा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, शुंभ और निशुंभ से त्रस्त ये देवगण मेरी स्तुति कर रहे हैं। माँ पार्वती के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उन्हें देवी कौशिकी कहा गया। देवी कौशिकी के प्रकट होने के बाद माता पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया और वो हिमालय पर रहने वाली माता कालिका के रूप में विख्यात हुई। कुछ समय पश्चात देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ के दूत को वापस लौटाकर उन भयंकर दैत्यों को युद्ध में चुनौती दी। अपने बल के घमंड में आकर शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना सहित देवी पर आक्रमण किया। इस महासंग्राम में देवी कौशिकी के अतिरिक्त माता भगवती,
ब्रह्माणी, माहेश्वरी, वाराही, नारसिंही, काली, चंडिका के रूपों में प्रकट हुई और धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्त बीज समेत शुंभ और निशुंभ का संहार किया। इस प्रकार मां महागौरी ने अपने अनेक रूपों के साथ संसार को दुष्ट दैत्यों के आतंक से मुक्त किया। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शुभे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्र की अष्टमी तिथि को देवी माँ के आठवें रूप माता महागौरी की पूजा आराधना करने और देवी के स्वरूप की कथा सुनने से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, हर मनोकामना पूर्ण होती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अष्टमी की महाशक्ति महागौरी माँ, अमोघ फलदायिनी महागौरी माँ, तुम्हारे चरणों में अर्पित तन मन प्राण, आए जो शरण होए उसका कल्याण। ओम महागौरी देवे नमः। अगर नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें और अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूलें @ अशोक हमराही।